हेलो बच्चों बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों रिसेंटली मैंने एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पर कुछ वीडियो बनाई थी जो कि एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की वीडियो थी कि वैकेंसीज कब तक आएगी, और सेकेंड वीडियो मेरी थी इनके सिलेबस के ऊपर कि आपको क्या पढ़ना है और पहले से आपको रेडी कैसे रहना है, उनके ऊपर मेरी एक वीडियो थी। तो उसमें जो मुझे बच्चों ने कमेंट किए तो मैंने कुछ कमेंट रेंडमली पिक किए हुए और जिसमें से कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं। ऑलमोस्ट 6 to 8 पॉइंट है यहाँ पे। पहला हमारा पॉइंट रहेगा व्हाट इज एमईएस इंजीनियरिंग सर्विस, क्या है इसकी वर्क प्रोफाइल, क्या रहती है, क्या काम करने को मिलता है। और थर्ड पॉइंट रहेगा इसमें यूनिफॉर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये रेगुलर एंड नॉन रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी आती है या नहीं, इसका मतलब परमानेंट या फिर टेम्परेरी बेसिस पर वैकेंसी आती है, और आपकी ड्यूटी लोकेशन यहाँ पे क्या क्या रहती है, और क्वालिफिकेशन कितनी परसेंटेज होनी जरूरी है या मैटर करती है नहीं, और कैंटीन कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, और यहाँ पे जो है आपको गेमिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटी, वो सारी चीजें पर हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आप भी एमईएस इंजीनियरिंग सर्विस में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ये चीजें जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे तो ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ वैकेंसीज यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड आती है लेकिन अब इनको अग्निवीर की तरफ इन्होंने जो है कन्वर्ट कर दी अपनी सभी पोस्ट को, क्योंकि उसमें जो है 4 साल की आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारी 4 साल की जो सर्विस रहती है। बाकी ये जो वैकेंसीज है ये कितनी ईयर की सर्विस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितने साल तक आप यहाँ पे सर्विस कर सकते हो। अगर आप एमईएस इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होता है आपका तो यहाँ पे आप 60 साल तक आप इन सर्विस में काम कर सकते हो, ये क्लियर हुआ। पेंशन का कोई मैटर नहीं है, पेंशन आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि पहले जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम करते थे उनमें थी, लेकिन अब की जनरेशन अगर आप आज की डेट से या फिर नेक्स्ट 2025 की डेट से ज्वाइन करना चाहोगे या ज्वाइन होंगे तो इसमें पेंशन आपकी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये क्या है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, क्या है? देखो ये एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है। अब आपको नाम से ही पता चलता है कि इंजीनियरिंग सर्विस मिलिट्री में कौन कौन सी फोर्स आती है, आपकी एयरफोर्स आती है, आपका जो है नेवी आती है और इंडियन आर्मी आती है, ये सभी फोर्स मतलब गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज है उनमें ये इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आता है, और इंजीनियरिंग रिलेटेड मीन्स ऐसा नहीं कि आपको आर्म फोर्सेस या फिर आर्म मेंटेनेंस भी होगा। देखो आर्म से रिलेटेड मीन्स हथियार से रिलेटेड आपका कुछ भी नहीं होगा इसमें, ये आपको यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वर्क प्रोफाइल मैं यहाँ पे बात करूंगा, बहुत सारी वैकेंसी जाती है इसमें, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जाती है और बहुत सारे ट्रेड की वैकेंसी जाती है, लाइक यहाँ पे मैस जो है आपकी जो रोटी बनाने वाले की वैकेंसी जाई है, लाइक यहाँ पे आपकी सफाई वाला की वैकेंसी जाई है, प्योर की वैकेंसी जाई है, यहाँ पे साइकिलिंग की वैकेंसी जाई है, और यहाँ पे जो है साइकिल रिपेयर की वैकेंसी जाई है, मोटर मैकेनिक ड्राइवर की वैकेंसी जाई है, ऐसे अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसी आती है। दुनिया भर की ट्रेड आपको इस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मिल जाएगी। सभी फोर्सेस से ज्यादा जो सर्विस रहती है एमईएस में रहती है, ठीक है, मतलब ट्रेड जो अलग अलग रहती है वो एमईएस में रहती है। क्या काम इसमें होता है, देखो आपको 3 फोर्सेस के लिए काम करना है, आपको जो है मिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करना है, और आपको जो है नेवी फोर्सेस के लिए काम करना है, और आपको जो है यहाँ पे जो एयरफोर्स फोर्सेस के लिए काम करना है। काम क्या काम करना है, देखो जो क्वार्टर रहते हैं, ठीक है, ये डिफेंस एरिया जैसे कि हमारा कंटोनमेंट बोर्ड उनमें, और या फिर जहाँ पे डिफेंस के जो क्वार्टर बने हुए उनमें आपका जो भी मेंटेनेंस होगा, यानी क्वार्टर का मेंटेनेंस जो भी रहेगा, कोई भी वाटर लूप्स है, कुछ भी है आपका वाटर से रिलेटेड, पानी नहीं आ रहा है, पानी जा नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, कैसा भी मेंटेनेंस इशू है, तो ये आपको प्रोवाइड करनी है, वहां पे सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कैंटोनमेंट में ही आपको जो है रहना खाना सब कुछ मिलेगा, यानी आपको सारा काम कैंटोनमेंट बोर्ड में ही रहेगा, लेकिन आपको जो स्टेइंग रहेगा आपका मेडिकल फैसिलिटीज आएगी, आपको कैंटोनमेंट बोर्ड में सारी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, आपको वहीं पे रहना है। यहाँ तक क्लियर। यूनिफॉर्म का कोई कोड होता है नहीं, इन वैकेंसीज के लिए यूनिफॉर्म का कोई कोड नहीं होता है, आपके लिए यूनिफॉर्म बाध्य नहीं है, इट मींस कि आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। जैसे कि ये सिविलियन फोर्सेज है तो थोड़ी सिविल के यानी कैजुअल यूनिफॉर्म आपको पहननी है, तो ये आपको पहनना है, कोई भी आपको ड्रेस कोड नहीं है, आपको जैसे आर्मी की जैसी यूनिफॉर्म मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे अपने घर से आपको खुद से ही आपको यूनिफॉर्म मेंटेन करनी है, खुद से आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, ठीक है, मतलब कैजुअल में आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। रेगुलर और नॉन रेगुलर, देखो जो पहले अभी अग्निवीर की वैकेंसी अभी आती है वो 4 साल के लिए रहती है, वो नॉन रेगुलर आपकी रहती है, लेकिन ये आपकी रेगुलर है, परमानेंट है, आप
एक बार ज्वाइन होने के बाद आपको कोई निकाल नहीं सकता, और काम आपको करना है जो अभी आपका ट्रेड से रिलेटेड काम रहता है वो काम आपको करना है, ठीक है। ड्यूटी लोकेशन क्या रहती है, इनमें रहती है जो तीन फोर्सेस हमारी है, इन सभी जगह जहां जहां पर भी सर्विस जाती है ऑल ओवर इंडिया में, वहां पे आपको कहीं पर भी ड्यूटी लोकेशन मिल सकती है, ठीक है, कहीं पर भी मिल सकती है जहां जहां भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। सपोज करो आपको मिलिट्री क्वार्टर में सर्विस करनी है, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद, अपना श्रीनगर, आगरा, जहां जहां पर भी मिलिट्री क्वार्टर्स है और एयरफोर्स क्वार्टर्स है और नेवी के क्वार्टर्स में सारी फैसिलिटी ये आपको ये प्रोवाइड करती है, इनको अलग रखना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, देखो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन एज पर वैकेंसी यहाँ पे आता रहता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 10th वालों के लिए, 10th वाले के लिए जैसे अदर फोर्सेज में मांगा जाता है कि आपके 43-45% आपके होने चाहिए, इंग्लिश में यहाँ पे आपको 45 मार्क्स होने चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आपके 33% है, आपके 33% है आपके 10th में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे आर्मी जीडी भर्ती में मांगा जाता है 45%, ऐसे यहाँ पे परसेंटेज का कोई मैटर नहीं। बाकी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे स्टैनो के पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन पर स्टैनो, 12th स्टैनो, जेएफए के लिए, तो बहुत सारी वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा है, ठीक है। कैंटीन कार्ड मिलेगा नहीं, देखो कैंटीन कार्ड में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, कैंटीन कार्ड में कुछ में अल्कोहल मिलती है, कुछ में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जो है आपको अल्कोहल की फैसिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बाकी जो ग्रोसरी फैसिलिटी है, यानी तेल, साबुन, जो भी आप वहाँ पे जो भी क्रीम पाउडर, तेल, साबुन ये लेना चाहते हो, जो भी ग्रोसरी है बच्चों के लिए खाने का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये लेना चाहते हो, तो आप ये ले सकते हो। लेकिन जो कार्ड की लिमिट है, वो कार्ड की लिमिट आपको कम मिलती है। सपोज करो आर्मी वाले को यहाँ पे 5000 एवरी मंथ यहाँ पे खरीद सकता है, लेकिन इनको जो है 4 या 3 3500 ऐसे कार्ड की लिमिट थोड़ा कम मिलती है, लेकिन फैसिलिटी बहुत सब मिलती है, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड में ही आपको रहना है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड में अलग अलग फैसिलिटी रहती है, गेमिंग फैसिलिटी रहती है, आपको गेम खेलना पसंद है तो आप खेल सकते हो, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से आपको कहीं पर भी नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है गेम को प्रमोशन नहीं करता है, ये क्लियरली है। तो आप अपनी मर्जी से गेम खेल सकते हो, अगर आपके अंदर गट्स या दम है तो आप आगे जा सकते हो, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी ऐसी कुछ खास ट्रेनिंग नहीं होती है जैसे आर्मी वालों के लिए होती है, ऐसा कुछ ट्रेनिंग नहीं रहता है। और जैसे कि जीडी भर्ती या आर्मी भर्ती में एनुअली या क्वार्टरली आपके मेडिकल, छोटे मोटे मेडिकल फिटनेस फिट के लिए होते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। खाओ पियो, सो जाओ, कितने भी मोटे हो जाओ, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। ऐसा कुछ मेडिकल वगैरह कुछ नहीं होगा आपका, एक बार खाया पिया सो गया, कितने भी पेट फुला लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है भाई, इंजॉय वाली लाइफ है। लेकिन थोड़ी पोस्ट जो है थोड़ा लेवल लो रहता है, बट लाइफ इंजॉय वाली, ठीक है। ये क्लियर। बाकी जो गवर्नमेंट की मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो सारी फैसिलिटी मिलेगी रिलेटेड टू द आर्मी, जो भी मींस की गवर्नमेंट फोर्सेस को यहाँ पे रहता है, सेम एमईएस को मिलती है। ये सभी डिटेल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है गाइस, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।